तपाई हरु संचो उनुंछा। सबसे पहले जय नेपाल, जय बाबा पशुपतिनाथ, जय माता जानकी जनकपुर धाम और जय महाविष्णु यज्ञ। और इस यज्ञ को पूरा करने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले यज्ञकर्ता बाबा राम अनुग्रह दास जी महाराज को, जो विकास बाबा भी हैं, को नमस्कार करता हूँ। इतना अच्छा संकल्प उन्होंने लिया, साथ में अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता जी, सचिव श्री संतोष कुमार केसरी जी, और पिछले वर्ष ब्रह्मपुरी गांव में राम कथा कहने वाले, आयोजन करने वाले हमारे बहुत ही प्रिय नवीन जी, सबको मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। अभी मैं राम कथा करने के लिए मोकामा में आया हुआ हूँ। मेरी राम कथा 15 तारीख तक चलेगी। इसी बीच बाबा का, विकास बाबा का एक फोन आया, नवीन जी ने भी फोन किया कि गौर में महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, विराट विष्णु यज्ञ। तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी वहां राम कथा करने आए। तो मैं तो मोकामा में राम कथा कह रहा था, तो मैंने कहा कि 15 तारीख तक वहां मैं राम कथा करके 16 को सीधे मैं गौर चला जाऊंगा और वहां संगीत में राम कथा 17, 18 और 19 तीन दिन मैं करूंगा। आप तमाम मित्रों से अनुरोध है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप हजारों लाखों की संख्या में आए और हमारे साथ राम कथा गाएं, नाचे, गुनगुनाएं, मुस्कुराएं और आनंद मनाएं। मैं केवल इतना ही कहता हूं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अरे मैं तो भीड़ में खोया था, आपने मुझे परवान चढ़ा दिया। इस राम कथा ने घर घर में मेरी पहचान बना दिया।